नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस के कद्दावर नेता कन्हैया कुमार चुनावी मैदान से बाहर आ गए हैं। आपको बताते चले कि कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीपीआई ने अपने पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बताते चले कि महासचिव सीपीआई के महासचिव डी राजा ने शुक्रवार को पूर्व विधायक अवधेश राय बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। डी राजा ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी कम से कम एक और सीट चाहती है। डी राजा ने एक दिन पहले ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है। सीपीआई ने अवधेश राय को बेगूसराय से टिकट देकर कन्हैया कुमार को बड़ा झटका दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हें हार मिली थी। माना जा रहा था कि इस बार भी यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और कन्हैया उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब सीपीआई ने इस सीट पर नया उम्मीदवार उतार दिया है। 2019 में गिरिराज सिंह ने पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बड़े मार्जिन से हराया था। गिरिराज सिंह ने 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से सीट जीती थी। युवा नेता कन्हैया कुमार त्रिकोणीय मुकाबले में अपनी पकड़ नहीं बना सके, जिससे राजद के तनवीर हसन को करीब 2 लाख वोट कट गए थे। बता दें आपको कि गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया कुमार खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और कहा जा रहा था कि इस बार भी ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और कांग्रेस से कन्हैया कुमार उम्मीदवार होंगे, लेकिन सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। महागठबंधन में बगैर सीट शेयरिंग के सिंबल बांटे जा रहे हैं। इस क्रम में अवधेश राय को भी बेगूसराय सीट मिल गई है। सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो इस तरीके से कांग्रेस के कद्दावर नेता कन्हैया कुमार चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। इससे पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।